मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ रहे थे क्या, पार्ट पांच है ना, हम पढ़ रहे थे पार्ट पांच आषाढ़ के बाद है। पढ़ रहे थे हम लोग आषाढ़ के बादल है ना, आषाढ़ के बादल ठीक है, आषाढ़ के बादल पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, शब्दार्थ है ना, इसका शब्दार्थ हम लोग पढ़ते हैं। पार्ट पांच आषाढ़ के बादल शब्द बरसात ठीक है। अब हम सबसे पहले इसका शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, शब्दार्थ ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, धान इसमें क्या हो जाएगा, धान धान का क्या हो जाएगा, चावल की फसल। धान का क्या हो जाएगा, चावल है ना, चावल की फसल, चावल की फसल, फसल है ना, चावल की फसल आषाढ़, आषाढ़ आषाढ़ का बरसात का एक महीना है ना, बरसात का एक महीना, बरसात का एक महीना, बरसात का एक महीना ठीक है, बरसात का एक महीना। अच्छा अब उसके बाद हो जाएगा मयूरा, मयूरा मतलब मोर है ना, मयूरा, मयूरा मतलब मोर, मयूरा मतलब मोर, मयूरा मतलब मोर। कजली एक विशेष प्रकार का गीत जो बरसात के समय में हम लोग क्या मैंने लोग गाते हैं है ना, किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरह के विशेष प्रकार का गीत लोग गाते हैं ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा कजली, देखिए शब्दार्थ में क्या हो जाएगा, धान, धान क्या हो जाएगा, चावल की फसल, धान है ना, धान से हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग धान से चावल निकालते हैं है ना। अच्छा आषाढ़, आषाढ़ बरसात का एक महीना, मयूरा, मयूरा मतलब मोर। बच्चों इसलिए बता रहा हूँ आप इसको याद करके अच्छे से मतलब मात्रा से याद करें, समझिए इसको याद कीजिए, धान चावल की फसल आषाढ़ मतलब क्या देखो बरसात का एक महीना ठीक है, मयूरा, मयूरा मतलब मोर ठीक है। अच्छा अब देखिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, मयूरा हो गया। अच्छा कजली, इसमें क्या हो जाएगा कजली है ना, देखिए कजली क्या हो जाएगा, एक विशेष प्रकार का गीत, कजली क्या हो जाएगा, एक विशेष प्रकार का गीत, एक विशेष प्रकार का गीत है ना, एक विशेष प्रकार का गीत ठीक है, एक विशेष प्रकार का गीत ठीक है, एक कजली हो गया ठीक है। उसके बाद हो जाएगा अलगोजे, अलगोजे मतलब एक प्रकार का बांसुरी है ना, एक प्रकार अलगोजे, जैसे क्या लिखते हैं हम लोग अलगोजे, अलगोजे है ना, अलगोजे, अलगोजे क्या जाएगा, एक प्रकार की बांसुरी ठीक है, एक प्रकार की बांसुरी, बांसुरी है ना, एक प्रकार की बांसुरी अलगोजे, मैंने अलगोजे मतलब जो हवा चलता है जो एक तरह से जो उसका आवाज निकलता है उसी तरह से कभी नहीं जाएगा, एक प्रकार की बांसुरी ठीक है, एक प्रकार की बांसुरी। अब देखिए मादल, मादल, मादल मतलब क्या हो जाएगा मृदंग, क्या हो जाएगा मृदंग, मादल मतलब क्या हो जाएगा मृदंग, मृदंग मतलब सॉरी मृदंग मतलब होता है जो छोटा सा जो ढोल टाइप में होता है उसको गम बजाते हैं मृदंग है ना, मृदंग का आवाज निकलता है। तो कजली मतलब क्या हो गया, एक विशेष प्रकार का गीत, कजली है ना, कजली मतलब वो बरसात के दिनों में आषाढ़ के दिनों में क्या करते हैं मतलब उसको गाया जाता है ना, ये जो है आषाढ़ से संबंधित गीत है। अलगोजे एक प्रकार की बांसुरी है ना, अलगोजे जैसे मतलब एक प्रकार की बांसुरी जो उसकी जो धुन होती है जब हवा बहती है तो उसमें जो धुन होती है जो पत्ते होते हैं वो टकराते हैं ना, जो पेड़ पौधे जो करते हैं उससे एक आवाज निकलता है, उसके एक प्रकार की बांसुरी, मैंने कभी ने इसका वर्णन किए हैं बताएंगे आपको जब पढ़ाएंगे इसकी कविता। मादल, मादल मतलब क्या हो गया, मादल मतलब मृदंग है ना, मृदंग मतलब एक प्रकार का बाजा, एक प्रकार का बाजा ठीक है मादल। अच्छा गगन, अब क्या हो जाएगा गगन, गगन मतलब आकाश, गगन मतलब आकाश है ना, गगन मतलब क्या हो जाएगा आकाश, आसमान, नभ, व्योम है ना, ये हो जाता है गगन, समझ गए ना।
माध्यम मतलब मृदंग हो या गगन मतलब।